और YouTube चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट में हम काम करते टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ करके कैसे काम कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, मतलब हम मार्केट में कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, वो भी हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन। तो लाइव चार्ट पर हम देखते हैं कि हम किसको सपोर्ट बोलेंगे और किसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, ये जो है वो ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है, ये भी आपके मोबाइल में या लैपटॉप में ओपन कर सकते हैं। तो अभी ये 7th of November का ये चार्ट है, अभी तो मार्केट बंद है, ये 7th of November का लाइव मार्केट था। अगर अब देखें तो यहाँ से मार्केट 4th of November को यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी थी और 7th of November को मार्केट यहाँ पर गैप ऑफ खुला था। तो यहाँ पर ये जो था मार्केट के लिए सपोर्ट था, मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बताता हूँ। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। तो यहाँ पर जो है पहले अगर यहाँ से देखें अबून, तो यहाँ पे मार्केट को ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर मार्केट नीचे से ऊपर आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट ने फिर से नीचे रिट्रेसमेंट दिया था। फिर से मार्केट यही रेजिस्टेंस था मार्केट के लिए 18,150 का, तो मार्केट उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा था। तो मार्केट ने बाद में कल मतलब 4th of November को मार्केट ने यहाँ पर गैप अप में ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और बाद में यहाँ पर रेजिस्टेंस गैप अप होके मार्केट वहाँ से फिर नीचे आ गया। यहाँ से फिर से मार्केट ने मार्केट के लिए ये सपोर्ट बन गया था। पहले ये रेजिस्टेंस था ये ब्लू वाली लाइन, फिर मार्केट इसके ऊपर चली गई तो ये सपोर्ट बन गया था। जैसे अब आप जहाँ पर चेयर पर ज़मीन पर बैठे हैं, वो ज़मीन जो है वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी और आपके घर का जो छत है वो आपके लिए रेजिस्टेंस है। मतलब आप नीचे भी कितना भी उस पर पैर दबाएंगे तो वो ज़मीन के नीचे नहीं जाएगा, मतलब ज़मीन आपके लिए सपोर्ट है और जो आपके घर का छत है वो आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब आप कोई भी पेन का ढक्कन अगर ऊपर फेंकेंगे तो वो आपके घर के छत को लगकर नीचे आ जाएगा, और आप कुछ हाथ से नीचे गिराएंगे तो वो आपकी फर्श पर जाकर टकरा के, मतलब फर्श जो है आपके घर का वो सपोर्ट है और जो छत है वो रेजिस्टेंस है। और आप एक बार अगले माले पर चले गए तो जो आपके लिए पहले रेजिस्टेंस था वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। मतलब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पहले सपोर्ट है। मैं आपको लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ। अब जो है ये मार्केट के लिए ये जो लेवल है 18,250 का, ये अब मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये वाला 18,200-150 का लेवल जो है वो अब मार्केट का सपोर्ट है अभी के लिए। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो मार्केट का सपोर्ट जो बन जाएगा वो 18,250 का बनेगा, और अभी की लेवल में अगर मार्केट का सपोर्ट देखें तो 18,150 का है। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है 18,150 को, तो अभी की लेवल में मार्केट के लिए बाद में जो सपोर्ट का काम करेगी जो लेवल, वो लेवल है 18,075 का। यहाँ पे मार्केट इसको अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा तो 18,075 पर मार्केट यहाँ पर स्टॉप, यहाँ से फिर से रिट्रेसमेंट और बाउंस बैक दे सकता है। अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो मैं ये सारी लाइंस बाकी की रिमूव कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन में आपको जितने भी ज़्यादा पॉइंट, मतलब जितने ज़्यादा पॉइंट आपकी ट्रेंड लाइन में टच होंगे उतनी आपकी ट्रेंड लाइन जो है वो स्ट्रांग बनेगी। तो ये अभी मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर यूज़ करूँगा, नहीं तो 30 मिनट का करेंगे।
यहाँ पर आपको जाके यहाँ पे ट्रेंड लाइन सिलेक्ट करना है ट्रेडिंग व्यू में, ठीक है। नहीं तो आपका जो भी चार्ट है यूज़ करते हुए, आप वहाँ पर टूल्स में जाके ट्रेंड लाइन सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से मार्केट अपसाइड में जा रही है। अगर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे ट्रेंड लाइन यहाँ से, तो ये ट्रेंड लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है। मतलब अभी अगर मार्केट यहाँ पर है तो मार्केट जब ये लाइन को ब्रेक करेगा, तो मतलब अभी अगर आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है मार्केट में, तो आप ये ट्रेंड लाइन के सब मतलब जहाँ पर भी सपोर्ट है ये ट्रेंड लाइन का, उसका स्टॉप लॉस यूज करके मार्केट में लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। जितने भी ज़्यादा टच पॉइंट आप इसको टच करेंगे, मतलब जितने कैंडल को आपकी ट्रेंड लाइन टच करेगी, उतनी आपकी ट्रेंड लाइन जो है वो स्ट्रांग नज़र आएगी, ठीक है। अगर फिर से आप कोई ट्रेंड लाइन यूज़ करेंगे, अगर आप यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर अपन देखें तो ये ट्रेंड लाइन में 1, 2, 3 और 4 पॉइंट यहाँ पर टच कर रहे हैं। मतलब ये जो लेवल है, जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता ये ट्रेंड लाइन को, अगर आप देखें यहाँ पर, तो यही ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के साथ मार्केट अभी काम कर रही है। मतलब मार्केट ने 30 मिनट के टाइम फ्रेम में ये जो है 20 अक्टूबर से लेके आज तक 8 नवंबर को ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक नहीं करा है। मतलब मार्केट अब ट्रेंड में जा रही है। जब मार्केट ये ट्रेंड लाइन को डाउन साइड में क्रॉस करेगा, तो आप समझेंगे कि मार्केट का जो है अभी 30 मिनट की टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, ठीक है। लाइक दिस आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें, तो आप मेरे से कमेंट करके कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है, तो आप हमारी दूसरी वाली वीडियोस भी देख सकते हैं, जैसे ऑप्शन चेन एनालिसिस, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड बेसिक ऑफ फंडामेंटल्स की वीडियोस भी ये यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको ये समझ में आ रहा, तो आप आपके फ्रेंड के साथ भी इस वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही, तो आप वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। विद द हेल्प ऑफ दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एंड अवर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।